तो जैसा कि सभी को पता है कि नगर पालिका नगर निगम का आरक्षण तय कर दिया गया है और सभी को पता ही होगा कि कौन कहां पे खड़ा होने वाला है, किस वर्ग का आदमी कहां पे खड़ा होने वाला है। नहीं पता है तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ का आपके सामने लेके आ चुका हूं, पूरा छत्तीसगढ़ का मैं आपको बताने वाला हूं कौन सजाति का आदमी कौन कहां पे खड़ा हो सकता है, पूरा छत्तीसगढ़ का मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन उसे ऑल करके प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं नगर निगम से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले आपको मैं नगर निगम पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी नगर निगम है उसका मैं आपको बताऊंगा कौन कहां पे खड़ा होने वाला है, किस वर्ग का आदमी खड़ा होने वाला है। देखिए सबसे पहले भिलाई चरौद में अनुसूचित जाति का आदमी होगा, दूसरा में रायगढ़ है अनुसूचित जाति महिला, तीसरा में अंबिकापुर अनुसूचित जनजाति का है, चौथा में धमतरी अन्य पिछड़ा वर्ग। तो आप इसे ध्यान से रखिए, भिलाई चरौद यहाँ पे अनुसूचित जाति, रायगढ़ अंबिकापुर धमतरी, ये चार हो गया। अब उसके बाद पाँचवें में देखते हैं, तो पाँचवें में है राजनांदगांव यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग महिला हो गया यहाँ पे, छठवां में है कोरबा अन्य पिछड़ा वर्ग, सातवां में रायपुर अनारक्षित है सामान्य वर्ग है, यहाँ पे जगदलपुर में अनारक्षित यहाँ भी सामान्य वर्ग और बिलासपुर में भी सामान्य वर्ग है। तो अब दसवें में देखते हैं, दसवें में कहाँ कहाँ आता है, तो दसवें नंबर पे है भिलाई, भिलाई में भी अनारक्षित है, ग्यारहवां में चिरमिरी है यहाँ पे अनारक्षित महिला है, बारहवां में दुर्गा, दुर्गा में भी अनारक्षित है, बिरगांव में भी अनारक्षित है, तो बिरगांव में भी सामान्य वर्ग के आदमी यहाँ पे खड़ा होने वाला है। ये सभी नगर निगम के जो मैं आपको बता दूँ, ये सभी नगर निगम का है, उसके बाद मैं आपको नगर पालिकाओं का बताऊँगा। तो देखते हैं, देखिए नगर पालिका का हमें पता चल जाए। सबसे पहले बागबाहरा अनुसूचित जाति महिला, दूसरा में डोंगरगढ़ अनुसूचित जाति, जांजगीर में अनुसूचित जाति, अगलतरा में अनुसूचित जाति, रतनपुर में अनुसूचित जाति, सारंगढ़ में अनुसूचित जाति महिला का है। देखिए मैं छह नाम आपको, ये सभी नगर पालिका है। ये अगर आपको अपना क्षेत्र का देखना तो आगे पीछे आप वीडियो को कर सकते हो और पता कर सकते हो कि हमारे क्षेत्र में कौन से। देखिए सातों में नारायणपुर अनुसूचित जाति महिला, विजयपुर में अनुसूचित जाति, जसपुर में अनुसूचित जाति, बलरामपुर में अनुसूचित जनजाति, दंतेवाड़ा में अनुसूचित जनजाति महिला, बड़ी बचेली में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला। तो अब ध्यान से इसे रखिए, अपना क्षेत्र का आप अपने लिख के रख सकते हो आप इसमें कि आपके क्षेत्र में कौन सा वर्ग का आदमी खड़ा हो सकता है। तो देखिए फिर देखते हैं, देखिए तेरह नंबर में भाटापारा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, चौदह में कोंडागांव अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, खैरागढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग, आरंग में अन्य पिछड़ा वर्ग, तखतपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग, दीपका में अन्य पिछड़ा वर्ग, शिवपुर चर्चा में अन्य पिछड़ा वर्ग। तो देखिए पूरा छत्तीसगढ़ आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए सरायपाली में अन्य पिछड़ा वर्ग, मुंगेली में अन्य पिछड़ा वर्ग, अहिवारा में अन्य पिछड़ा वर्ग, करदूर में अनारक्षित है, सुकमा में अनारक्षित है, कांकेर में अनारक्षित है, कवर्धा में अनारक्षित है, जामुल में भी अनारक्षित है, पूरे छत्तीसगढ़ का मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं फिर 28वां नंबर पे कुम्हारी अनारक्षित है, दिल्ली राजहरा में भी अनारक्षित है, बालोद में भी अनारक्षित है, बेमेतरा में भी अनारक्षित है, महासमुंद में भी अनारक्षित है, तिल्दा में भी अनारक्षित महिला है, गोबरनवापारा में अनारक्षित है, गरियाबंद में अनारक्षित है। और उसके बाद देखिए बलौदा बाजार में अनारक्षित है, खरसिया में भी अनारक्षित महिला है, यहाँ पर चांपा में अनारक्षित है, शक्ति में अनारक्षित महिला है, कटघोरा में अनारक्षित है। 40 पूरा 40 नाम आपको बता चुका हूँ, इसमें 41 अब आने वाला है। देखिए 41 में सूरजपुर अनारक्षित है, 42 में मनेंद्रगढ़ अनारक्षित है, बैकुंठपुर में अनारक्षित महिला है। तो मैंने आपको सभी नाम बता दिया, पूरा 43 के या पूरा नगर पालिका है नगर निगम के भी आपको मैंने बता दिया, तो आप आगे पीछे वीडियो को करके देख सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको अपने क्षेत्र का आपके क्षेत्र का नाम मिल चुका होगा। अगर आपको अपने क्षेत्र का नाम नहीं मिलता तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और हो सके तो इसे व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि अपने क्षेत्र में कौन सा वर्ग आदमी खड़ा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।